हेलो एवरीवन, आज है 2 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात होने जा रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, 11.25 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया रैली ये शेयर दिखा चुका है। फ्राइडे को भी अगर हम देखें यहाँ पर तो शेयर में अच्छी खासी रैली थी, तकरीबन 8.5-9% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। और अब ये शेयर पैनी स्टॉक पहले हुआ करता था, लेकिन अब उस पैनी स्टॉक से लिस्ट से बहुत ही आगे निकल चुका है। अब इसको पेन स्टॉक कहना भी सही नहीं होगा क्योंकि अब ये पेन स्टॉक के लिस्ट से भी बहुत ऊपर है। तो वीडियो में हम बात करेंगे कि 10-10.5 रुपए का ये शेयर क्या वाकई में सस्ता है कि नहीं, क्या यहाँ पर खरीदारी की पोजीशन अभी भी बनती है कि नहीं, या कोई गिरावट के संकेत देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि वहां पर भी मैं आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग काफी सारी जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो बात करते हैं ट्राइडेंट की। 10.75 रुपए का ये शेयर है और अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है। पिछले एक महीने में देखे तो 34 से 35% का ग्रोथ है। आप देखिए, 8 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर ट्रेड हुआ करता था। बढ़िया रैली आई, 10 रुपए तक पहुंचा, दोबारा गिरावट आई, 8.5 पर गया। उसके बाद जो रैली आई है जो इसको अभी तकरीबन 11 रुपए तक लेके जा रही है। एक साल में देखेंगे तो 60% का ग्रोथ है। आप देखिए, 3 गुना पैसा कमा कर दिया है। 3.30 रुपए का शेयर आज आप देख सकते हैं कि तकरीबन 11 रुपए तक पहुंच रहा है। अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है, काफी अच्छा मोमेंटम इस कंपनी ने गेन किया है। 3 साल का भी सबसे बड़ा जो हाई है वो बनाया है, 20% का ग्रोथ है। आप देखिए, अब तक अगर हम शेयर में फ्लैट और देखने को मिलता था इसका, लेकिन अब एक बड़ी रैली की तरफ आया है और एक बड़ा जो ब्रेकआउट है वो ये शेयर अब दे चुका है। मिड कैप शेयर बन चुका है, 5,245 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का ये शेयर है और वॉल्यूम ट्रेड भी अच्छा खासा है। तकरीबन तकरीबन 8 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड NSE में है और 1,27,00,000 से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड आपको BSE में देखने को मिल रहा है। प्रमोटर ने खरीदारी की है सितंबर क्वार्टर में, लेकिन लेकिन दिसंबर क्वार्टर में भी प्रमोटर ने बहुत बड़ी खरीदारी की। आप देखिए, 71.84% की प्रमोटर की जो होल्डिंग अभी है वो पहले 71.07% थी, लेकिन नवंबर महीने में प्रमोटर ने तकरीबन 6 करोड़ नए शेयर्स खरीदे हैं 8 रुपए से भी कम प्राइस पर, जो तकरीबन 1.20% की होल्डिंग मानी जाती है। मतलब आप देख सकते हैं कि प्रमोटर जो है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्टिव है, खरीदारी कर रहे हैं। और प्रमोटर जहां जिस कंपनी में एक्टिव होते हैं उस कंपनी में डेफिनेटली हमें अच्छे खासे संकेत देखने को मिलते हैं प्राइस को लेकर। अच्छी खासी होल्डिंग FIIs के पास भी है, 1.60% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड जो पहले कुछ भी नहीं थे, उनके पास भी 0.02% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डिविडेंड भी पे कर रहे हैं। देखिए, छोटा शेयर है, डिविडेंड पेइंग शेयर है, लेकिन 18% का डिविडेंड पे, मतलब पर शेयर आपको 18 पैसे मिल रहे हैं। ट्राइडेंट की ये वेबसाइट है। प्रोडक्ट की बात करें तो टेक्सटाइल, होम टेक्सटाइल, एन पेपर, केमिकल, एनर्जी में बहुत बड़ा नाम है। होम टेक्सटाइल में भी अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये बेड एंड बाथ लीन्स बनाते हैं और काफी जो रेप्यूटेड होटल्स है वहां पर इनके प्रोडक्ट बिकते हैं, और उसके अलावा आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे इनके इनके क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे तो वाकई में काफी बड़े, चाहे वो वॉलमार्ट हो, अमेजोन हो, चाहे वो ITC होटल हो, या फिर कई सारी चीज हो, काफी सारे इनके नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, जो डेफिनेटली H&M भी इनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट है। तो काफी बड़े इनके क्लाइंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ इनके होम और टेक्सटाइल बिजनेस में। येन की अगर हम बात करें तो येन में भी इनके जो नंबर ऑफ क्लाइंट है वो बहुत बड़े हैं और नामी गिरामी लोग हैं। रेमंड्स और अरविंद की बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। तीसरा, इनका पेपर का जो बिजनेस है उसमें भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग इनके साइज के पेपर देखने को मिल जाते हैं। प्रोडक्ट रेंज काफी सारी है इनकी और उसमें भी एक से बढ़कर एक क्लाइंट है, चाहे वो टाटा ग्रुप की बात करें, चाहे हम SBI की बात करें, चाहे रिलायंस की बात करें, चाहे अदानी ग्रुप की बात करें, ONGC की बात करें, सेल की बात करें, BPCL की बात करें, और तो और मारुति सुजुकी की बात करें, लार्सन एंड टुब्रो की बात करें, ICICI की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी की बात करें, हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, कई सारी कंपनी है, कई सारी कंपनी है जो अगर मैं नाम गिनाना चाहूंगा शायद वो कम पड़ जाएंगे। केमिकल में भी अगर हम देखें तो बड़ी नामी गिनामी कंपनी है यहाँ पर, जिसका नाम आप सबने सुना है, एक्साइड इंडस्ट्रीज, माइक्रोटेक और ल्यूमिनस। तो बड़ी कंपनी है ये, इसको छोटी कंपनी कहना अब उतना सही नहीं होगा। और ये वो कंपनी है जो हर क्वार्टर में बड़े प्रॉफिट्स कमा रही है, 100 करोड़ तक का इनका क्वार्टरली प्रॉफिट अब देखने को मिल रहा है। टेक्निकल रेटिंग शानदार है,
तेजी के संकेत है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, फिर 10% लोग बेचने की सलाह भी जरूर दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखें जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी का रेवेन्यू आपको देखेंगे तो भैया 1100 करोड़ तक का इनका रेवेन्यू है, 1100 करोड़ तक का रेवेन्यू है जो अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुका है। कोरोना से पहले अगर हम देखें तो 1100 करोड़ का ही था, अब वो वापस अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुका है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी 100 करोड़ का हुआ है जो अपने प्री कोविड लेवल से भी बड़ा है, क्योंकि देखिए पिछले साल सितंबर में 137 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में वो 41 करोड़ रहा, बाद में 39 करोड़, बाद में 10 करोड़, अब सीधा 100 करोड़, तो बहुत बड़ा जंप है ये। और दिसंबर में और बेहतर नतीजे आने की उम्मीद है। तो अगेन मुझे लगता है कि ट्राइडेंट अभी भी ये एक बढ़िया बाइंग है, प्रमोटर की बहुत बड़ी होल्डिंग है, प्रमोटर जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली खरीदारी ही कर रहे हैं, और प्रमोटर का जो रुख है वो यहाँ पर वो काफी बड़ा पॉजिटिव रुख है। और डेफिनेटली टेक्सटाइल बिजनेस का ये कंपनी है, और इंडिया के बाहर भी जिनकी जो प्रोडक्ट है वो शिफ्ट होती है, इंडिया में भी काफी बड़ी क्वांटिटी में ये कंज्यूम हो जाती है। आप अगर किसी कपड़े की दुकान में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ट्राइडेंट की प्रोडक्ट आपको जरूर मिल जाएंगी, उतना बड़ा इनका मार्केट है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि ट्राइडेंट पेनी स्टॉक अब इसको काउंट नहीं किया जा सकता, अब ये बड़ा स्टॉक बन चुका है और बड़े प्रॉफिट कमाकर देने वाला ये शेयर है। तो यही कहूंगा कि बने रहिए इस कंपनी के साथ, अगर आपने खरीदारी की है तो फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर मैं चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर तब से बाइंग की एडवाइस दे रहा हूँ जब से ये शेयर 4 रुपए का था, जब से ये शेयर 5 रुपए का था, जब से 6, 7, 8, 9 हर लेवल पर 3.5 रुपए से लेकर 10 रुपए के लेवल तक मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग की ही एडवाइस दी है। पर अभी भी मेरी वही एडवाइस होगी, खरीदारी करते रहो यहाँ पर हर महीने, अगर आप चाहो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हो हर महीने, लेकिन लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए यहाँ पर, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए यहाँ पर। कम से कम 5-10 साल का गेम खेलेंगे तो आपको बढ़िया फायदा होगा, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। और डिविडेंड तो पेइंग शेयर है ही, साथ में डिविडेंड भी तो पे कर ही रहा है। तो लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए, और हर महीने चाहे तो 100-150 क्वांटिटी आप चाहे तो यहाँ पर खरीद सकते हैं, और कम से कम इसको 10 या 5 या 10 साल का प्लान लेकर चलिए, इसके साथ अच्छा फायदा होगा आपको यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना, टुकड़ों में खरीदारी करो, जब भी गिरावट आए खरीदारी करो यहाँ पर, और गिरावट में हर गिरावट में यहाँ पर बाइंग बनती है। लॉन्ग टर्म में ये शेयर जरूर रिकवर होगा और अच्छा खासा रिटर्न देने का भी दमखम रखता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।